अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो पुरानी ऑटो की तरफ बात है, नई ऑटो तो बहुत सारी आप लोगों ने देख ली है। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये है सुजुकी ऑल्टो 2011 मॉडल। फ्रंट पे चले जाते हैं, हैलोजन बेसिक बल्ब है इसके अंदर। फ्रंट पर अगर आप देखिए क्रोम स्ट्राइप से आपको मिलेगी सुजुकी का एम्ब्लम। देयर आर नो फोग लाइट्स, देयर फोग लाइट्स। ओके, नीचे हम देख लेते हैं तो आपका अलॉय व्हील मौजूद है, डून्डो आपका टायर है, ग्राउंड क्लियर इज डिसेंट, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो डिसेंट है। आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, ब्लैक कलर के साइड डोर मिरर्स मिलेंगे। अच्छा जी, ये हैचबैक डिज़ाइन मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ये इसकी बैक लाइट आ गई ऑल्टो की। कोई स्पॉइलर वगैरह कोई फैंसी चीज़ नहीं है, बेसिक मॉडल है ये, बेसिक शेप है इसकी। ये इसकी साइड प्रोफाइल लुक, चलते हैं और इसका रिव्यू करते हैं आज। वो किसी ऑल्टो 2011 मॉडल के अंदर में आज टेम्परेचर गेज है, साइड वगैरह राइट साइड देखिए फ्यूल गेज मौजूद है, टू स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर कोई इतना खास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। बेसिक टेप है, फैन विच कैन गो अप टू 4 स्पीड, मोड्स वगैरह मौजूद हैं, टेम्परेचर कंट्रोल अगेन एसी का बटन है, एंड इट्स टू हॉट इनसाइड। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम इसको वाइंड अप करके स्टार्ट करें पंखा इसका। यहाँ पर स्पेस मौजूद है, ग्लव बॉक्स स्पेस बेसिक है। साइड आप देखेंगे पॉकेट फॉर स्टोरेज, ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट पर स्पीकर्स मौजूद हैं, खैबर में कितने स्पीकर्स, क्या यादें आ गई हैं। ये इसकी बेसिक सीट है, हैंड ब्रेक एंड अ 5-स्पीड ट्रांसमिशन। यहाँ पर अगर आप देखें आपका एशट्रे, आपका सिगरेट लाइटर मौजूद है, नथिंग फैंसी रेट। इस करेंट मॉडल में सीएनजी वगैरह भी इंस्टॉल्ड है। जो हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर लिए विंडोज, जो कि आवाज़ करें, आवाज़ ही वाह, क्या आवाज़ है। फिर बंद होगी, ये बेसिक इसके मिरर्स हैं जो मैं साइड पर दिखा रहा हूँ। इसी हम रेस वगैरह पे रखेंगे, कोई पता नहीं है इसका। 4 स्पीड पर कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कि एसी वो वर्क और समथिंग। बाकी यहाँ पर थोड़ी स्पेस वगैरह मौजूद है। ये बड़ी इकोनॉमिकल सी कार है, 12.5 से 13 की एवरेज आपको प्रोवाइड कर देती है। इस गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स, एक्सटीरियर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं, इसके अलावा इंजन पार्ट्स इजीली ऑल ओवर पाकिस्तान आपको मिल जाते हैं। ये गाड़ी के लोगों के लिए जो लोग जो हैं अपने एक सिटी टू सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, ये गाड़ी चढ़ाइयों वगैरह पर भी इतना मसला नहीं करती है, 2-3 बंदे आराम से जो है चले जाते हैं इस पर, कोई और इस तरह का मसले मसाइल सुनने में नहीं है। रीसेल की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली जो न्यू ऑल्टो आई है उसके बाद इसकी थोड़ी सी रीसेल पर जो असर हुआ है। साइड पर अगर आप देखें 2007 ऑल्टो खड़ी है, सामने अगर आप देखें यही शेप में ऑल्टो खड़ी है, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता है, अदरवाइज इस तरह की कोई इशू नहीं है। सीएनजी के साथ आई एम नॉट श्योर कि कितना इस पर असर वगैरह होगा। अगर हम इसके ऑडोमीटर पर नज़र मारें तो 247,920 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। एंड डेफिनेटली इस तरह की जो पुरानी गाड़ियाँ ये मेंटेनेंस जो है लाजमी मांगती हैं, जब तक इनको मेंटेन करके रखेंगे ये आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो तब कोई खास रिस्पांस नहीं है, आई एम नॉट श्योर द एसी इज वर्किंग प्रॉपरली। तो अभी हम चलते हैं बैक सीट पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं स्पेस वगैरह कैसी है। बैक सीट स्पेस अभी हम चेक कर लेते हैं ऑल्टो की। डोर में ओपन कर लेता हूँ डोर में आपको, फ्रंट से खोल कर इसका हम पहले डोर ओपन कर लेते हैं। लॉक नॉब सी आती है इसकी, अगर आप दरवाजे की तरफ देखें बेसिक है, आप देखेंगे स्लाइटली ग्रे टाइप से इसका कलर है, ग्रे कलर है इसका। रोटेटेबल विंडोज़ का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। पीछे रियर फ्लोर जो है वो इसका फ्लैट नहीं है। सीट के लिए दिखाऊं तो एक फुल ऑन सीट है, इसमें स्प्लिट किसी किस्म का मौजूद नहीं है। अभी फ्रंट सीट ऑल द वे पीछे है और मेरी हाइट 6'1" है, तो आप मेरी टांगे देख सकते हैं, बड़ी कंजेस्टेड है। अगर मैं सीट को आगे कर लेता हूँ फेयरली डिसेंट स्पेस बन जाती है। लेकिन ओवरऑल व्यू की बात करूँ तो 5'8" से 5'9" तक की हाइट के बंदे बैक पर सफर कर सकते हैं। 2 एडल्ट्स पीछे बैठ सकते हैं, दरमियान में छोटा बच्चा बिठा सकते हैं, 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं होंगे। पीछे और कोई एशट्री वगैरह मौजूद नहीं है, साइड पॉकेट्स वगैरह किसी किस्म की नहीं है, और ऐसा कोई सेफ्टी फीचर्स बैक पर मौजूद नहीं है। अगर बैक से आपको मैं फ्रंट के लुक दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह की जी। ऑल्टो इंजन साइड पर मैं आ चुका हूँ, ये आपको 12.5 से 13 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है कि गाड़ी आपने किस तरह मेंटेन रखी है। डेवो की बैटरी इंस्टॉल है इसके अंदर, कॉम्पोनेंट्स की डिटेल लुक मैं आपको उसको दे रहा हूँ। इसके इंजन पार्ट्स इसलिए अवेलेबल है थ्रू आउट पाकिस्तान। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा 2011 सुजुकी ऑटो का। अगर हम इसकी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस है अराउंड 9 लाख टू 9.5 लाख, 8 लाख से शुरू होकर 9.5 लाख तक ये गाड़ी मिलती है। डेफिनेटली गाड़ियाँ काफ़ी महंगी हैं,
मेरा आजकल 7 लाख को पहुंच गई है। तो डिपेंडिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड कंडीशन ऑफ द कार आपको अपने करीब शोरूम आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से गाड़ी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फेसबुक पर इसकी डिटेल पिक्चर आएगी, देखना मत भूलिएगा। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अली मलिक एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे इस गाड़ी का वॉक अराउंड आएगा। और अगर आप टूर्स देखना चाहते हैं अली मलिक 50 को सब्सक्राइब करें। थम्स अप। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑन टेस्ट। ओ